गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गॉड मदर इंग्लिश मीडियम स्कूल, सब्जेक्ट ENV, स्टैंडर्ड 5, लेसन नंबर 8, साइंस ऑफ किचन। वी टेक सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, मिल्क एंड वेजिटेबल्स एज फूड। हम लोग अनाज, दालें, फ्रूट मतलब फल, दूध, वेजिटेबल्स लेते खरीदते हैं। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, हमें फूड से एनर्जी मिलती है। डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड, डिफरेंट मतलब अलग रीजन होते हैं, हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड। जैसे फ्रूट में भी क्या होती है, वेराइटीज होती है। वी प्रिपेयर फूड आइदर बाय बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग एंड डीप फ्राइंग। हम जो खाना बनाते हैं वो बॉइलिंग होता है, रोस्टेड होता है, फ्राइंग मतलब तला हुआ, और डीप फ्राई तल के बनाया हुआ होता है। मेनी फूड आइटम्स कैन बी ईट इन द रो फ्रॉम, हम बहुत से आइटम खाते हैं। देर वॉज वेराइटी इन अवर फूड, हमारे फूड में बहुत सी मतलब यहाँ पे बहुत सारी फूड की वेराइटी है। गुड एंड न्यूट्रियस फूड वॉट नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी, फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बॉडी। अच्छा और प्रोटीन वाला खाने से हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होती है। नेसेसरी हैव नॉलेज टू किचन, किचन के बारे में इतना तो नॉलेज हमें है। इट इंक्लूड वेराइटी स्पाइसी यूज टू इन द किचन, यहाँ पे भी किचन में स्पाइसी वेराइटीज दी गई है। व्हाट इज द सी इन द पिक्चर, हमें पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक लेडी है जो रोटी पका रही है, किचन में बर्तन और सब कुछ है। विच स्पाइसी आर सीन इन द किचन, किचन में हम क्या स्पाइस देख सकते हैं। व्हाट इज द बीन कुक्ड इन द प्रेशर कुकर में क्या पक रहा है। रीड गिवन द ब्लो आर डिटेल्स ऑफ द फूड एंड टेकन बाय भावना एंड दीपा, यहाँ डिटेल्स दी गई है जो भावना और दीपा जो खा रही है उसकी। बाय डे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, व्हाट डिड यू ईट, मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग में रोटली साग, इवनिंग में चपाती साग। ट्यूजडे दाल ढोकली, खिचड़ी एंड कढ़ी, वेडनेसडे पूरी साग एंड ढोकला। अब रोटली एंड चपाती क्या होती है, बॉइल्ड फूड एंड रोस्टेड, दाल ढोकले एंड खिचड़ी बॉइल्ड, पूरी साग और ढोकला बॉइल्ड। अब वैसे ही आपको लिखना है डे कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मॉर्निंग और इवनिंग में आप क्या खाते हैं और जो खाते हैं वो क्या है, डीप फ्राइड, बॉइल्ड, रोस्टेड या फ्राइड। देयर इज अ बॉय हिज नेम महेश, एक लड़का था उसका नाम था महेश। एवरी डे ही आस्क फॉर स्पाइसी फूड, एवरी डे वो पूछता था स्पाइसी फूड के लिए। आफ्टर इच सच अ स्पाइसी फूड, वो उसके बाद वो स्पाइसी फूड खाता था। ही स्टार्टेड हैवी प्रॉब्लम, उसको बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। हैवी प्रॉब्लम इज द स्टमक, उसके पेट में एक प्रॉब्लम हो गई। वन डे महेश वॉज इन स्कूल, एक दिन महेश स्कूल में था। ऑल स्टूडेंट वेर प्रेज, सारे स्टूडेंट खेल रहे थे। हिज स्टमक स्टार्टेड पेनिंग, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। हिज पेन इंक्रीज द ग्रेजुअली, उसका पेन बढ़ता गया। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल में लेके गए। वाई वॉज महेश स्टमक पेनिंग, महेश को पेट में दर्द क्यों हुआ, बिकॉज ही इट अ स्पाइसी फूड, वो हमेशा स्पाइसी फूड ही खाता था इसलिए उसे स्टमक में पेन हुआ। वॉट वुड द डॉक्टर हैव सेड टू महेश, डॉक्टर ने महेश को क्या कहा होगा कि यू कैन डू नॉट ईट एनी स्पाइसी फूड, कि तुम किसी भी तरह के स्पाइसी फूड नहीं खा सकते। वॉट विल महेश डू हार नाउ,
महेश अब क्या करेगा? He did not eat spicy food. वो स्पाइसी फूड नहीं खाएगा. Read. Their girl's name Varsha. He studies in standard 5. लड़की का नाम है वर्षा. वो पांचवी में पढ़ती है. She loves eating outside food. उसे बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है. Every day he see eats uncovered and stall food from vendors. मतलब विक्रेता. Vendors मतलब विक्रेता. वो uncovered जो ढका हुआ नहीं होता है, वैसा स्टॉल पर जो खाना मिलता है जो ढका हुआ भी नहीं होता है, वो डेली वर्षा ऐसा खाना खाती है. वर्षा डज नॉट लाइक ईटिंग एट होम. वर्षा घर पे बनाया हुआ नहीं खाती. एवरीडे वर्षा गोज इन होटल रेस्टोरेंट एंड वेंडोर. एवरीडे वर्षा होटल रेस्टोरेंट वेंडोर में जाती है. सी ईट वॉट एवर सी लाइक. वो वही खाती है जो उसे पसंद है. थिंक एंड से What different food items she must be eating from the vendor? क्या अलग खाना मिलता है वेंडर में? Why does Varsha eat stall in outside food? Varsha stall में बाहर जाके क्यों खाती? क्योंकि उसके घर का पसंद नहीं है. What would you have happened Varsha after eating outside food? अब क्या होगा जब Varsha बाहर का खाना खाएगी? Read. What would have happened to Varsha? We learn the why he has happened. अब क्या हो? अब what happened Varsha? मतलब अब क्या हुआ Varsha? We learn that why this has happened. Stall fried and spicy food harmful our body. The stall के जब फ्राइड एंड स्पाइसी तले हुए और तीखा खाना होता है वो हार्मफुल अवर बॉडी मतलब हमारे बॉडी में नुकसान करता है. वी मे हैव टू फेस मिनर एंड मेजर डिजीज. वो हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे बड़े रोग लाता है. हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थी फूड. हेल्थ रिलेटेड है किससे? हेल्दी फूड. अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और बाहर का खाएंगे तो हमारी हेल्थ बिगड़ जाएगी. यू ईट वेराइटी ऑफ फूड. यू ईट मतलब हमें खाना चाहिए. क्या तुम खा सकते हो? वेराइटी ऑफ फूड मतलब खाने में अलग तरह का खाना भी खा सकते हो. देर आर वेराइटीज मेथड टू प्रिपेयर दिस फूड. हम अलग अलग वेराइटी मेथड से हम खाना भी बना प्रिपेयर दिस फूड मतलब हम खाना बना सकते हैं, पका सकते हैं. लेट्स अस कलेक्शन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट. अब चलिए इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग मतलब जो हमें अलग अलग खाने का खाना हमें बनाने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं. गिविंग हियर अवर नेम वेराइटीज फूड आइटम्स से हाउ दे आर कुक्ड. ऑल्सो कैन You can also take help your mother. Given here मतलब अपना नाम लिखिए, अपना अलग वेराइटी वाले खाने का नाम लिखिए. See how they are cooked, आपने कैसे बनाया वो भी लिखिए. Given also take help. अगर आपको मदद चाहिए तो आप अपनी मम्मी की मदद ले सकती है. अब देखिए details of food. नाम है खिचड़ी. How is cook it? क्या आएगा? Boiling. रोटलो एंड रोटली रोस्टिंग. पूरी डीप फ्राइंग एंड फ्राइंग. सब्जी फ्राइंग एंड पकौड़ा डीप फ्राइंग. फूड एंड हेल्थ आर ऑल्सो रिलेटेड टू द मेथड ऑफ कुकिंग. खाना और स्वास्थ्य वो संबंधित है मतलब रिलेटेड है मेथड हमारे कुकिंग मेथड से. जैसे हम खाना बनाते हैं उसे रो फूड रोस्टेड और बॉइल्स एट लो टेम्परेचर इन कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट. जो खाना होता है वो हम रोस्टेड और बॉइल खाना होता है वो टेम्परेचर मतलब धीमी कम गर्मी में पकाने से वो बहुत अच्छा बनता है. अवॉइड यूजिंग अनटिल्स मेड ऑफ प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम फॉर कुकिंग और ईटिंग फूड. अवॉइड कीजिए जो हम प्लास्टिक और एल्यूमिनियम कुकर में जो हम खाना बनाते हैं उसे और जो खाते हैं. सनलाइट गिवन अ कॉन्स्टेंट ऑफ फ्री
चेंज एनर्जी। सनलाइट, सूरज की जो लाइट्स होती है उससे वो हमें फ्री एनर्जी देती है, फ्री चार्ज एनर्जी देती है। कुकर्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड यूजिंग दिस एनर्जी। कुकर में जो खाना बनता है वो यूजिंग दिस एनर्जी, वो खाने की एनर्जी यूज करते हैं कुकर में। सच कुकर्स आर कॉल्ड सोलर कुकर्स। कुकर्स को हम इस कुकर को क्या बोलेंगे, सोलर कुकर्स। द क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स एंड टेस्ट ऑफ फूड नेचुरली मेंटेन इन द फूड कुकर इन सोलर कुकर। जो क्वालिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो पोषण है, जो टेस्ट है, वो इस सोलर कुकर में मेंटेन रहता है। वी यूज सच सोलर कुकर्स इन योर एरिया। अब सर्च कीजिए कि आपके एरिया में कोई सोलर कुकर यूज करता है। गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर कुकर एंड अनदर सच एप्लायंस। अब आप इन्फॉर्मेशन लीजिए सोलर कुकर की। राइट अ नोट, एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर कुकर। अब सोलर कुकर में हमें क्या फायदे मिलते हैं, देखिए क्वालिटी एंड न्यूट्रिएंट्स मेंटेन, फूड इज कुक्ड, खाना भी बनता है लो टेम्परेचर धीमी आंच में। द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड इज नॉट सेम, वी एंजॉय फूड ड्यू टू डिफरेंट इन टेस्ट ऑफ अरोमा इन द फूड विच डिफरेंट टेस्ट ऑफ यू एक्सपीरियंस। जो खाने के अलग अलग जो टेस्ट होते हैं, डिफरेंट फूड इज नॉट सेम मतलब सभी अलग खाने के टेस्ट सेम नहीं होते हैं। वी एंजॉय फूड ड्यू टू डिफरेंस इन द टेस्ट, हम जो खाना खाते हैं उसमें अलग टेस्ट एंजॉय करते हैं। तो अब हम ये डिफरेंट टेस्ट हमें जो हमने खाए हैं वो हमें लिखना है। पहला स्वीट, स्पाइसी, सॉल्टी एंड बिटर, श्योर। फ्रॉम विच फूड बी एक्वायर द फॉलोइंग टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीट, सुगर एंड जेगरी, सुगर कप्स एंड सुगर, सोरो एंड एनी अदर। सॉल्टी, चिप्स फ्राई, लेमन रो एनी अदर, चिली फ्राइड, विनेगर टर्मरिक एनी अदर, बिटर गार्ड फ्राइड।